हेलो, वेलकम टू अभिपीरिया। माय नेम इज मिर्जा सत्ताम हुसैन और आज मैं आपके पास अनीस जोशी को इंटरव्यू लेकर आया हूं, जो कि ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ में इन्होंने 26th रैंक हासिल किया है। और मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारे जितने भी टॉपर्स हैं उनसे मैं जूम इंटरेक्शन लेकर आऊंगा और उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और किस टाइप से इनकी जर्नी रही एक ऑफिसर बनने के लिए। एक स्टूडेंट से कैसे ऑफिसर इन्होंने बना, क्या स्ट्रैटेजी रही इनके अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, और इनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या था, और सारी चीजें इनकी जर्नी के बारे में स्पेशली हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा अनिस, वेलकम टू अभिपीडिया, अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी यूट्यूब चैनल। यस सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि कैसा फीलिंग है। खुशी तो है बहुत, क्योंकि इतने 2-3 साल की मेहनत थी तो फाइनली रिजल्ट हैज कम पॉजिटिव, सो खुशी है बहुत। अनिस, आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, या फिर आप मतलब क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ी अपने बारे में। यस सर, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और मैंने अपना ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी सूरत किया है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर। और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी, और उसके साथ साथ मैंने ईपीएफओ का भी प्रिपरेशन किया था। तो ये आपका सिविल सर्विसेज में आपने पहले भी अटेम्प्ट दिया है। यस सर, एंड इवन दिस ईयर ऑल्सो आई एम अपियरिंग फॉर मेन्स नेक्स्ट मंथ। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। यस सर, थैंक यू। और अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जैसे कि आपको कितना फायदा हुआ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और फिर आपने, ये भी यूपीएससी का ही एग्जाम है एक टाइप से, लेकिन सिविल सर्विसेज का आप कर रहे थे प्रिपरेशन, और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम जो आपने दिया ईपीएफओ का, तो उसमें क्या फायदा रहा आपका? सर, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 70% सिलेबस तो सिमिलर ही था, एक्सेप्ट फॉर अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो उसमें मुझे फायदा हुआ, और इंटरव्यू भी क्योंकि सिमिलर पैनल से इंटरव्यू कंडक्ट करता है, तो इंटरव्यू के लिए भी उसका बहुत बेनिफिट हुआ था ओवरऑल। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका है क्या हुआ, तो जैसे कि ये तो आपके अकाउंटिंग, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो आपका, जैसे इसमें आप जो एग्जाम था उसमें अकाउंटिंग भी था आपका, तो आपने यस सर, अकाउंटिंग को कैसे डील किया, मतलब आपका जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट था उसको कैसे आपने डील किया? यस सर, अकाउंटिंग का मुझे बिल्कुल भी मतलब जीरो नॉलेज था। तो पहले मैंने 11th 12th के एनसीईआरटी थोड़े देखे, फिर मैंने अपीपीडिया का ही एक कोर्स ज्वाइन किया था अकाउंटिंग का, मैम का जो कोर्स था ऑनलाइन, और उससे फिर मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे, विच वाज सफिशिएंट फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो वो मेरा हो गया। जैसे कि अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें, तो आपने जैसे क्वेश्चन लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे एग्जाम में, तो आपने मतलब लगभग आपने कितना किया था उस टाइप से, मतलब कितना अटेम्प्ट कर पाए थे वहाँ पे? मैंने सभी अटेम्प्ट कर लिए थे अकाउंटिंग के, क्योंकि इस साल के इजी थे कंपेयर्ड टू 2017, तो मैंने सभी अटेम्प्ट कर लिए थे अकाउंटिंग। और आपके, जैसे हम लोग अगर बात करें कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ की अलग स्ट्रैटेजी थी, वो भी एक अलग सब्जेक्ट था, तो उसमें मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी, मतलब उसको लेके? उसमें मैंने सभी एक्ट्स का मतलब डिटेल में स्टडी किया था, और बहुत मतलब जो पुराने कानून है वो भी, और जो नए 4 सिक्योरिटी मतलब कोड्स है, लेबर कोड्स है, वो चारों का मैंने ईच एंड एवरी प्रोविजन मैंने देख लिया था, क्योंकि इधर फैक्चुअल नॉलेज बहुत डीप में एसेंशियल था। तो और इसमें हमारा, आपने जो एग्जाम हमारा ईपीएफओ का था उसमें इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इंग्लिश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को आपने कैसे, मतलब किस टाइप से, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? आई थिंक इंग्लिश का ऐसे ओवरनाइट प्रिपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से हम जो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी हमारा रीडिंग होता है वो हेल्प करता है, और मैंने एज सच उसके लिए अलग कोई प्रिपरेशन नहीं किया था इंग्लिश के लिए, मतलब मेरा इंग्लिश था ठीक ठाक तो हो गया था, मैनेजेबल था।
और जैसे कि और अदर सब्जेक्ट है जैसे इंडस्ट्रियल एंड फील्ड हो गया, मतलब आपका इंडस्ट्रियल सॉरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इसके अलावा फिर आपके जो भी अलग सब्जेक्ट थे जो आपके यहाँ पे मैच खा रहे थे जो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज से, तो उसको अच्छा मतलब क्या अलग से आपने देखा या फिर उसको कुछ दिया या फिर वैसे ही चलता रहा? हाँ, उसके लिए मतलब हिस्ट्री तो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन था, तो इसके लिए मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट, तो उससे लगभग सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। और बाकी पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए मैंने जो स्टैंडर्ड अपने सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज है जैसे लक्ष्मीकांत एंड रमेश सिंह, वो मैंने फॉलो किए थे। तो मतलब जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में पढ़ रहे थे तो उतना अब अगर बाई चांस कोई बच्चा जैसे यूपीएससी एपीएफसी भी आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूपीएससी एपीएफसी की, तो ये भी लगभग सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं ज्यादातर, मतलब सिलेबस जो है अगर पिछले बार के अगर हम लोग देखें तो लगभग 70% सब्जेक्ट्स जो होते हैं या फिर सिलेबस जो है वो मतलब सिमिलर है। तो मतलब क्या ये आपको क्या मतलब लगता है बच्चों को, मतलब जो क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो क्या पूरी लक्ष्मीकांत पहन पढ़नी चाहिए, या फिर जो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्या हमारे पूरा जो रमेश सिंह है उनको पूरा पढ़ना चाहिए? वैसे उनका पिछले साल का जो पेपर था उसमें थोड़ा वेटेज ज्यादा था इकोनॉमी और पॉलिटी का, और हमारे टाइम पे बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, मतलब 2 या 3 ही सवाल थे। पर हम ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि कौन से टॉपिक में से कितने आएंगे, तो प्रिपेयर तो हमें पूरा करना ही चाहिए क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल मतलब आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई सेक्शन छोड़ ही दिया ऐसे। जी, मतलब आपको मतलब सब कुछ कवर करना ही चाहिए, अपने तरफ से सेफ हैंड चलना चाहिए। हाँ यस सर। और जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम है, अगर हम एक तो सबसे पहले 2020 में आया था एग्जाम, उसके बाद डिले होते गया लगभग 2022 तक हाँ रिजल्ट आया इसका, लेकिन क्योंकि ये तो एक पेंडेमिक सिचुएशन आ गई थी इसकी वजह से इतना डिले हुआ, बाकी यूपीएससी इतना डिले तो करती भी नहीं है। तो अगर यस मान लीजिए यूपीएससी एपीएफसी का भी आता है हमारे पास, तो मतलब नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है जैसे कि, तो उसके कितने दिन पहले से बच्चों को मतलब प्रिपरेशन कर देनी चाहिए इसको? आई थिंक प्रिपरेशन तो हमारी कंटिन्यूअसली शुरू ही रहनी चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन आपकी कोई वेस्ट नहीं होगी। मतलब इधर आप एपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो वो प्रिपरेशन आपकी दूसरे कोई आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी वो काम आएगी। और एक बार अगर नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं होता, मतलब आपको 3 4 महीने ही मिलेंगे, तो उतने में पूरा सिलेबस करना तो मुश्किल है। इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर करते रहे, या फिर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसके और उसकी दोनों की स्ट्रेटेजी को इंटीग्रेटेड तरीके से आप देखें तो फिर वो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। और अगर बाई चांस जो बच्चे अभी नए हैं, मान लीजिए कि वो अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली मतलब कुछ ये जो एग्जाम निकालती रहती है यूपीएससी, उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहे तो उसको मतलब कितना दिन पहले से शुरू कर देना चाहिए प्रिपरेशन, जो मतलब न्यू बच्चे? मेरे ख्याल से 6 महीने पहले, तो मतलब 6 months टाइम इज मिनिमम नेसेसरी फॉर दिस प्रिपरेशन। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके जैसे इंटरव्यू के लिए जब कॉलिंग आया आपका, तो उसके लिए फिर आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू इज मोर ऑफ योर पर्सनैलिटी टेस्ट रादर दैन टेस्ट ऑफ योर नॉलेज विच इज ऑलरेडी टेस्टेड इन योर रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो मेरे ख्याल से आपको अपने बारे में जो ज्यादा जानकारी है वो देखनी चाहिए कि आपकी क्या हॉबीज है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो देखना चाहिए। करंट में क्या हैपनिंग हो रहा है वो देखना चाहिए। पास्ट स्टूडेंट्स के आप एक्सपीरियंस देखें कि उनको किस तरह के सवाल पूछे गए थे, उस तरह से आप मैंने अपना क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया था अराउंड 200 क्वेश्चंस की, मतलब मेरे जो होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरी एजुकेशन है, मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सूरत, मतलब मेरा जो ये था प्लेस ऑफ एजुकेशन, वो सब के बारे में ऐसे। तो वैसे आप कर सकते हैं, और कुछ मॉक इंटरव्यूज आपको देने चाहिए। दैट शुड सफाइस टू गेट थ्रू इंटरव्यू। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अभिपीडिया की तरफ से भी मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जा रही थी, तो क्या उससे कुछ फायदा हुआ था आपको? हाँ, मैंने गर्ग सर का
पैनल था, उनका इंटरव्यू मैंने दिया था, तो उससे मुझे फायदा हुआ था। मतलब आपको मॉक इंटरव्यू एसेंशियल है ही, क्योंकि मे बी आप कॉलेज के टाइम पे, कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे आपने इंटरव्यूज कुछ दिए हो सकते हैं, मतलब मैंने भी दिए थे उस टाइम पे, लेकिन वो इंटरव्यू और यूपीएससी का इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट, तो आपको एक उससे फायदा तो हो ही जाता है मॉक इंटरव्यूज। चलिए अनिस, तो आज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आने वाले बच्चे जितने भी हैं हमारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी यूपीएससी के या फिर एपीएससी के भी हैं, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, अगर उनको कुछ आप मैसेज देना चाहते हो तो क्या देना चाहोगे? मैसेज तो मैं यही दूंगा कि आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, प्रिपरेशन आपको करते रहनी चाहिए। ये हमारा खुद का प्रोसेस भी 2 ढाई साल का था, बट अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। ऐसे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही प्रिपरेशन करते रहें। तो थैंक यू अनिस, बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप वो हमारे जितने भी हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी बच्चे, उनको आपके आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है उनसे फायदा होंगे, और आने के लिए थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।